हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कमाल की हॉलीवुड मूवी को, जिसका नाम है नेम, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक जलपरी को एक आदमी से प्यार हो जाता है। वो आदमी जलपरी की भूख को पूरा करने के लिए इंसानों को मारकर उनका खून पिलाता है। वो जलपरी गाना गाकर सबको अपने बस में कर लेती है। मूवी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप वीडियो तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग में एक कपल समुद्र के किनारे रोमांस कर रहे होते हैं और वो कुछ देर बाद काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं और न्यूड होकर किस करने लगते हैं। तभी उस लड़के को एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे वो उसके वश में हो गया हो। वो समुद्र में कूद जाता है। वो लड़की हेल्प के लिए बुलाती है, तभी एक आदमी आता है और उसे मार देता है। काफ़ी टाइम बाद कुछ लड़कियाँ हॉलीडे मनाने अपने फ्रेंड के घर जाती हैं। शिप में एक लड़की को स्विमिंग पूल करते दिखाया जाता है जिसका नाम लूसी होता है, और उसके फ्रेंड भी होती है जिसका नाम कैली होता है, वो एक राइटर है। तभी उनका कॉलेज का एक फ्रेंड आता है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स लूसी का कॉलेज में एक्स बॉयफ्रेंड था। एलेक्स कैली और लूसी को हक करता है और अपनी वाइफ से मिलवाता है जिसका नाम यास्मीन है। एलेक्स उनको अपने घर ले जाता है और वो सब मिलकर घूमने की ट्रिप का प्लान बनाते हैं। सभी लोग बोट में घूमने जाते हैं। वहीं कैली को बोट में जाने से डर लगता है क्योंकि जब उसका भाई 10 साल का था तो वो पानी में डूब कर मर गया था। वो सभी ओशन में घूमते हैं। वहीं एक आदमी उनको घूर के देखता है। उसके बाद सभी घर चले जाते हैं और ड्रिंक करते हैं। एलेक्स की वाइफ लूसी से एलेक्स के बारे में पूछती है। लूसी उसे कुछ नहीं बताती। यास्मीन लेसी से मिसबिहेव करती है और डांस करने को कहती है। सभी लोग डांस करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। यास्मीन ने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी जिससे उसकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। कैली कहती है मज़ा आ गया पार्टी में आज। तभी लूसी के पास एलेक्स आता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। एलेक्स लूसी से अभी भी प्यार करता है। लूसी वहाँ से जाने लगती है। तभी एलेक्स लूसी को किस करने लगता है। वो इंटीमेट होने लगते हैं। उसी रात बीच में बैठे एक आदमी को एक आदमखोर मार देता है। नेक्स्ट डे लूसी एलेक्स कैली बीच पर घूमने जाते हैं और एक जगह पर रुककर स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करते टाइम पानी में यास्मीन का पैर कोई पकड़ लेता है। वो डर जाती है। सडनली एक आदमी पानी से बाहर आता है जो यास्मीन का फ्रेंड होता है जिसका नाम बॉबिल होता है। वो सबसे इंट्रोड्यूस करके वहाँ से चला जाता है। सभी लोग घर पहुँचकर ड्रिंक करते हैं। कैली मामला के बारे में पूछती है जो कि एक जेल है। उसी जेल में जलपरी रहती है। नाइट में सभी फ्रेंड और उनके साथ बॉबिल भी वहाँ पर आया था। वो मामूला आइलैंड के बारे में बात करते हैं लेकिन एलेक्स का जाने का मन नहीं होता, लेकिन बॉबिल वहाँ से सबको ले जाना चाहता है। तभी वहीं एक बूढ़ा आदमी आता है जो उन्हें मामला पर जाने से मना करता है। वो कहता है बहुत डरावनी जगह है, मेरी बेटी भी वहीं खो गई थी, वहाँ से बस मैं ही बच के निकल पाया। वो उन्हें जाने से मना करता है लेकिन बॉबिल उसकी बातों को मजाक में लेता है। नेक्स्ट डे सभी मामला आइलैंड पर जाते हैं। वो मामूला आइलैंड पर जाते हैं लेकिन कैली को पानी में जाने से डर लगता है। वो बोट के सारे आइलैंड पर आती है। बॉबिल कहता है मामूला में रोमांस ही रोमांस है, सभी लोग मामूला में घूमते हैं। वो इस बात से अनजान है कि ये कितनी डरावनी जगह है। कैली मामूला की फ़ोटो क्लिक करती है। वहीं एक कुआं होता है। कैली तभी उसी आदमखोर को मामूला जेल में देखती है। वो सभी उस आदमी का पीछा करते हैं। वो लोग देखते हैं कि आदमखोर उसी कुएं में खून और हड्डी डाल रहा था। उसे शक हो जाता है। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी बॉब कैली से कहता है कि उस कुएं में एक लड़की है, तुम उसकी फ़ोटो लो ताकि हम पुलिस को दिखा सकें। लेकिन वो लड़की नहीं, एक खौफनाक जलपरी है। तभी वो आदमखोर उनकी बोट को गोली से मार के ख़राब कर देता है और उनके पास भागने का कोई चारा नहीं था। वो आदमखोर उनको गोली से मारने लगता है। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो उनके पीछे पीछे फायरिंग करता हुआ आता है। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। सडनली बॉबिल आदमखोर पर अटैक कर देता है। तभी आदमखोर बॉबिल के लेग्स पर नाइफ से अटैक कर देता है। वो खून को देखकर बॉबिल के पीछे जाता है। दूसरी तरफ कैली और एलेक्स उस लड़की को बचाने के लिए जाते हैं। वो लड़की नहीं, एक जलपरी है। बॉबिल भी वहीं चट्टानों के नीचे छुपा हुआ था। आदमखोर वहाँ से चला जाता है। वो बाहर आता है और यास्मीन और लूसी को एक सेफ जगह पर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स को जलपरी ने अपने गाने से अपने बस में कर लिया था। वहीं बॉबी और लूसी आदमखोर का पीछा करते हैं। वो अपने हथियार पर धार लगा रहा था और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स जलपरी के बस में पागल हो जाता है। वो एक गेट को तोड़ता है जिसमें एक जलपरी होती है। कैली उसे वहाँ जाने से रोकती है लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मानता। एलेक्स जलपरी के गाने में उसके बस में होकर पागल हो रहा था। वहीं बॉबिल आदमखोर की गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। वहीं कैली एलेक्स को वहाँ से जाने की बात करती है लेकिन एलेक्स उसकी एक बात नहीं मानता। कैली वहाँ से भाग जाती है। एलेक्स गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। वहीं बॉबी को आइलैंड से बाहर निकलने का मैप मिलता है जिसमें वो आदमखोर और वो आदमी जो मामला पर जाने को मना करता है उसकी फ़ोटो होती है, और वहीं पास में क्लॉकेट होता है जिसमें एक लड़की होती है, वो उसकी बेटी होती है जो कि जलपरी बन चुकी है। वो आदमखोर उस जलपरी से बहुत प्यार करता है। तभी वहाँ कैली आती है और सबको एलेक्स के बारे में बताती है।
तभी वहाँ कैली आती है और सबको एलेक्स के पास ले जाती है, लेकिन वो आदमखोर यास्मीन को मार देता है। वो उसे अपनी गुफा में ले जाता है और उसको कुल्हाड़ी से काट देता है, यास्मीन का सर अलग कर देता है। बॉबिल यास्मीन का कटा हुआ सर आदमखोर के हाथ में देखकर बहुत रोता है। वो कहता है ये मेरी गलती है। बॉबिल कैली को वहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। वो एलेक्स को बचाने उसी रूम में जाते हैं। कैली एलेक्स को ढूंढती है लेकिन वो जलपरी उसे मार चुकी थी। बॉबिल भी जलपरी के वश में हो गया था। वो उसके पास जाता है, तभी वो आदमखोर बॉबिल पर हमला कर देता है। आदमखोर और बॉबिल की फाइट होती है, बॉबिल उसे घायल कर देता है। वहीं जलपरी लूसी को पानी में गिरा देती है और लूसी को जान से मार देती है। लूसी पूरी तरह से मर जाती है। तभी वो जलपरी बाहर आती है, कैली डर जाती है। वो जलपरी आदमखोर के पास आती है, वो उसे सीने से लगा लेती है क्योंकि वो आदमखोर से बहुत प्यार करता है। उसे लगता है कि वो मर गया है, वो बहुत रोती है लेकिन वो जिंदा होता है। कैली और बॉबिल वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। वो नक्शे की हेल्प से बाहर जाने का ट्राई करते हैं और आदमखोर फिर से उनको मारने के लिए उनके पीछे आता है। कैली सुरंग से बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है, आदमखोर उनके पीछे पीछे आता है। वो वहाँ से भागते हैं, वो आदमखोर उनके पास आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, वैसे ही निको आ जाता है। वो उन्हें वहाँ से बाहर ले जाता है और बोट पर बैठ कर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। निको कैली को पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि वो आदमखोर और मैं दोनों दोस्त थे और अब दुश्मन बन गए हैं। वो जलपरी से बहुत प्यार करता है और उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। तभी समुद्र में तूफान आ जाता है, वो जलपरी उनकी बोट में आ जाती है। वो बॉबी को पानी में लेकर चली जाती है और बॉबी को जान से मार देती है। निको भाले से जलपरी को मारता है और उसे शूट करके पकड़ लेता है। निको कैली को स्विमिंग करने को कहता है। वो कहता है कि जाओ रस्सी से बोट को बांध कर हमें खींचो। निको बच जाता है। तभी वो जलपरी समुद्र से बाहर आकर कैली को पकड़ लेती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। निको उसे जाल में फंसा देता है, वो घायल हो चुकी थी। जलपरी अपने गाने से निको को अपने वश में कर लेती है, वो उसकी तरफ जाने लगता है। कैली उसे वहाँ जाने से मना करती है और उसे एक स्लैप करती है। वो होश में आ जाता है। निको जलपरी को भाले से मार देता है। वहीं वो आदमखोर उसके पास आता है, वो बहुत रोता है। निको कहता है इसकी खामोशी से कोई नहीं बच सकता। तभी तूफान और अजीब सी आवाज़ आती है। निको कहता है उसकी बहन उन्हें बचाने आ रही है। कैली कहती है कि अब क्या करें। निको कहता है कि इससे पहले हम मारे जाएं, इन दरिंदों को एक एक करके मार दो। निको आदमखोर और जलपरी दोनों को जान से मार देता है और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। रोम रोम भाई।